Hello students, we are starting subject math of class 5th, so get ready students. As we know dear students, that in my last video, we studied about revision exercise of lesson 2 and we have completed question number 1 and today we are starting क्वेश्चन नंबर 2. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे अपनी इस वीडियो में. यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रवि बोट बाइक फोर रुपीज 2,46,745 एंड ए कार फोर 15,80,480 रुपीज. कह रहा है कि रवि ने एक बाइक खरीदी. रवि बोट मीन्स खरीदी, ए माने एक, बाइक मीन्स बाइक होती है मोटरसाइकिल, फोर रुपीज कितने रुपए में, 2,46,745 रुपए में. एंड एक कार खरीदी 15,80,480 रुपए में. व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड इन आर, व्हाट अमाउंट यानी कितना धन ऑफ मनी यानी पैसे का कितना धन डेड ही स्पेंड इन आर इसने इन सब में खर्च किया. सोचो यहाँ पर पूरा मीन हो जाएगा कि रवि ने एक बाइक 2,46,745 रुपए की और एक कार 15,80,480 रुपए की खरीदी, तो उसने इस सब में कुल कितना धन खर्च किया, ठीक है ना. तो इसको किस प्रकार करेंगे, यहाँ बच्चों क्या करना पड़ेगा, जब बच्चों उसने इतने रुपए की एक बाइक खरीदी है और इतने रुपए की एक कार खरीदी है और टोटल हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो इन दोनों अमाउंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर राइट कर रखे हैं, आंसर मैंने यहाँ पर जमा रखे हैं और यहाँ पर मैं आपको आंसर फाइंड करके दिखाऊंगा, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ राइट किया बच्चों, कॉस्ट ऑफ बाइक यानी बाइक का जो मूल्य है वो कितना है बच्चों, मैंने यहाँ राइट कर दिया है 2,46,745. कॉस्ट ऑफ कार और कार का जो कॉस्ट है वो कितना है, 15,80,480, ठीक है. इन दोनों को मैंने इस प्रकार अरेंज किया है कि मैं ऐड भी कर सकता हूँ इसमें यहीं पर, ठीक है ना. तो रुपीज का साइन मैंने लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि रुपीज में है ये, पैसे रुपीज में होते हैं, और मैं इनको क्या कर रहा हूँ, प्लस ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है. तो मैं टोटल अमाउंट निकालूंगा बच्चों इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड करूंगा. तो चलिए मैं फाइंड कर लेता हूँ बच्चों. तो 5 में 0 ऐड करेंगे बच्चों, क्या आएगा, 5 आएगा. तो मैंने यहाँ पर ऐड किया 5, ठीक है. उसके बाद है 4 और 8. अच्छा बच्चों 4 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 8 बच्चों कितने होते हैं, 12 होते हैं. तो 12 का क्या ऐड करेंगे, 2 और 1 क्या हमारा हो जाएगा, कैरी, ठीक है ना, 1 कैरी हो जाएगा. 7 और 4 को ऐड करेंगे बच्चों अब, तो 7 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 7 और 4 होते हैं हमारे 11, कितने होते हैं 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना. 7, 4, 11 और 1, 12 का 2, फिर से हमारा 1 कैरी राइट हो गया यहाँ पे. उसके बाद 6 और 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों 6 और 0 कितने होते हैं, 6 से होते हैं, और 1 कैरी ऐड कर दो तो हो जाएगा 7. उसके बाद 4 और 8 ऐड करेंगे तो 4 और 8 कितना होता है बच्चों, 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. तो 2 और 5 कितना होगा बच्चों, 5 2 हो गए 7 और 1 कैरी है तो कितना हो गया, 7 और 1 8, ठीक है. अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही राइट हो जाएगा. तो यहाँ पर बच्चों जो टोटल अमाउंट है जो उसके द्वारा खर्च किया गया वो कितना है, टोटल अमाउंट है बच्चों 18,27,225 रुपीज, यानी उसने कुल इतना अमाउंट बाइक और कार खरीदने में खर्च किया, ठीक है. समझ में आ गया सभी को. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से. कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखेंगे सब बच्चे. क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बिल्डर टुक ए लोन, यानी एक बिल्डर ने लोन लिया ऑफ रुपीज 3,45,27,800 टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग एंड ही पेड बैक
रुपीज 1,76,000, 1,76,40,10,550 फाइंड द पेंडिंग लोन अमाउंट। तो बच्चे कह रहा है कि एक बिल्डर ने लोन लिया 3,45,27,800 रुपए का टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, एक इमारत का निर्माण करने के लिए, एंड ही पेड, और उसने बच्चों पेड कर दिया, नहीं वापस, यानी जो पैसा था वो चुकाया बैक, इस वापस यानी उसने कुछ पैसा वापस चुका दिया, जो कितना था 1,76,10,550 रुपीज। बच्चों उसने इतना लोन लिया था एक इमारत को बनाने के लिए और उसने इतना पैसा बच्चों वापस कर दिया है, ठीक है ना। फाइंड द पेंडिंग लोन अमाउंट, तो बच्चों फाइंड मीन्स ज्ञात कीजिए, तो पेंडिंग जो रुका हुआ अमाउंट है, अभी पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है, लोन अमाउंट, तो उसको हमें ज्ञात करना है। तो हमें पेंडिंग लोन अमाउंट यानी उसे अब कितना और जमा करना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों उसने इतना लोन लिया और इतना जमा कर दिया, अब हमें बताना है कि उसे कितना और जमा करना है, यानी उसका पेंडिंग लोन अमाउंट क्या है, जो बचा हुआ लोन है वो कितना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने किसी से 150 रुपीज उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए, 150 रुपए आपने किसी से उधार लिए और आपने बच्चों 50 रुपए उसको वापस दे दिए, कितने रुपए वापस दे दिए 50 रुपए, आपने 150 रुपए उधार लिए थे और 50 रुपए उसको वापस दे दिए, तो आपको कितने और वापस करने हैं, यानी आपको 100 रुपए वापस करने होंगे। कैसे पता किया, 150 में से यानी जो आपने अमाउंट लिया था 150 का, उसमें से 50 को माइनस किया तो कितने बचे, 100 रुपीज बचे ना, यानी अभी आपको 100 रुपीज और पे करने हैं तब आप अपना उधार चुकता कर पाएंगे, समझ सभी को। तो उसी प्रकार बच्चों जब उसने इतने रुपए लिए थे और इतने उसने वापस कर दिए हैं तो कितने और देने हैं, तो टोटल में से जो उसने वापस कर दिए उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो पैसा उसको अभी देना है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहां दिखा रहा हूं बच्चों, आपको देख सकते हैं मैंने अरेंज कर रखा है। अमाउंट ऑफ लोन यानी जो लोन का अमाउंट था वो कितना था बच्चों, यहां मैंने राइट कर रखा है बच्चों 3,45,27,800 रुपीज और अमाउंट विच पेड बैक यानी अमाउंट जो वापस कर दिया गया, कितना वापस कर दिया गया 1,76,10,550 यानी इतना अमाउंट जो था वो उसने वापस पे कर दिया है। अब हमें निकालना है पेंडिंग लोन अमाउंट यानी जो बचा हुआ लोन अमाउंट है वो क्या होगा, यानी उसे अभी और कितना पे करना है। तो हमने क्या करना है, टोटल में से मैंने अरेंज कर रखा बच्चों इसी प्रकार से, तो टोटल में से मैंने माइनस करना है जो उसने पेड कर दिया यानी वापस दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, जो आएगा वो पेंडिंग लोन अमाउंट बचेगा जो उसे वापस देना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बच्चों माइनस करता हूं, तो बच्चों यहां पर 0 में से 0 गया, 0 बचा, यहां क्या है 0 है तो कैरी कर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 के बचे 5, यहां क्या है 7, 7 में से 5 के बचे 2, यहां क्या है 7 में से 0 गया बचा 7, यहाँ 2 में से बन गया बच्चा 1, यहाँ 5 है तो बच्चों कैरी कर लो, 15 में से 6 जाएंगे बचेंगे 9, यहाँ 3 है तो कैरी कर लो, 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ बचा 2 तो 2 में से बन गया बच्चा 1। तो बच्चों अभी उसको 1,69,17,250 रुपीज वापस करने हैं, यानी उसको जो पेंडिंग लोन अमाउंट है 1,69,17,250 रुपीज है, समझ आया सभी को। आगे चलते हैं बच्चों अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर देखें राहुल्स एनुअल सैलरी इज 10,15,800 रुपीज, राहुल की एनुअल सैलरी 10,15,800 रुपए है, एंड हिज वाइफ वीना सैलरी और उसकी पत्नी वीना की सैलरी 9,19,590 रुपीज यानी 9,19,590 रुपए है। इफ दियर एनुअल एक्सपेंडिचर इज, यदि उनका एनुअल मीन्स वार्षिक एक्सपेंडिचर खर्च इस माने हैं कितना 14,99,955 यानी 14,99,955 रुपए उनका एनुअल खर्च है, वार्षिक खर्च है, तो व्हाट विल बी दियर एनुअल सेविंग, तो उनकी जो एनुअल सेविंग है वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों अब एक बार बताइए,
जो ये खर्च होता है वो दोनों की सैलरी में से होता है, दोनों की सैलरी में से उनका खर्च होता है। तो पहले हमें उन दोनों की जो एनुअल इनकम है, यानी जो हमें इनकम दी है उनकी जो सैलरी दी है वो हमें अलग अलग दी है, उसके राहुल की अलग है और उसकी पत्नी वीना की सैलरी अलग है, लेकिन खर्चा वो दोनों क्या करते हैं, एक ही साथ करते हैं, कभी राहुल ने किया कभी वीना ने किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की सैलरी निकालनी पड़ेगी कि टोटल इनकी इनकम कितनी है, टोटल कमाई कितनी है इनकी, वार्षिक कमाई कितनी है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी, फिर इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो जो उनकी सेविंग है वो निकल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर रखा है जमा कर, आप देखेंगे बच्चों मैंने यहाँ राइट किया है राहुल्स एनुअल सैलरी, यानी राहुल की वार्षिक सैलरी, वार्षिक जो सैलरी है वो कितनी है, 10,15,800 रुपीस, ये मैंने राइट कर लिया यहाँ पर। वीना सैलरी और वीना की सैलरी कितनी है, 9,19,590 रुपए। एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, यानी जो वार्षिक खर्च है बच्चों, 14,99,955 रुपीस है। तो टोटल एनुअल इनकम मैं निकालूंगा उनकी, यानी जो टोटल एनुअल इनकम हो रही है उन दोनों को, उन दोनों की सैलरी को मिला के वो कितनी है। तो मैंने बच्चों राहुल की और बीना की सैलरी को ऐड में राइट कर लिया है, ठीक है ना, ये राहुल की सैलरी है ये बीना की सैलरी है, तो दोनों को ऐड करेंगे, पीछे रफ पे ऐड कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों का आपने ऐड किया तो ऐड करने पर आएगा बच्चों 1,935,390 मीन्स 19,35,390 रुपीज, यानी कुल जो इनकम है वो उनकी इतनी होगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें उनकी एनुअल सेविंग निकालनी है तो इस टोटल में से, टोटल इनकम में से उनके एक्सपेंडिचर को, खर्च को माइनस करेंगे। तो मैं इसमें से उनकी टोटल इनकम को राइट करता हूं, पहले 19,35,390 में से माइनस करूंगा उनका जो खर्च है, खर्च कितना है, 14,99,955 रुपीज। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो बच्चे जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आप माइनस कर सकते हैं पीछे रफ नोट पे, रफ पे कर सकते हैं, पीछे पेपर पे कर सकते हैं, ठीक है। सब बच्चों को सबट्रैक्ट ऐड करना आता है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 435,435, यानी 4,35,435 रुपीज, यानी वह इतना बचाते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी जो उनकी सेविंग है एनुअल सेविंग वो कितनी है, 4,35,435 रुपीज। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस रिवीजन एक्सरसाइज, ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज सही में आई होगी, जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं सभी आपको सही में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट राइट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है उसको राइट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू, इसी के साथ हमने जो है इस लेसन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है, सब बच्चे अपना वर्क पूरा करें। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में,